हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केवाईसी व्हीकल नो योर कमर्शियल व्हीकल्स। हे वी आर येट अनदर विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि टेम्परेचर स्विच क्या होता है। गाड़ियों में टेम्परेचर स्विच की जरूरत होती है ताकि जब आपकी गाड़ी गर्म हो जाए तो इंजन को कब कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी गर्म हो गई है और कब उसे रेडिएटर का फैन चलाना है ताकि उसे वो कूल कर सके। उसके लिए टेम्परेचर स्विच लगाया जाता है गाड़ियों में ताकि वो टेम्परेचर को टाइम टू टाइम कैलकुलेट करके उस हिसाब से उसे रेडिएटर के फैन के फैन यूज कर सके और उसे चला सके। अब आज हम देखेंगे टेम्परेचर स्विच कहाँ होता है, कैसे यूज कर सकते हैं और भी कुछ बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। आइए पहले मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर स्विच दिखता कैसे है। आप ये देख सकते हैं, ये है टेम्परेचर स्विच, ये यहाँ पे प्लग होता है अंदर। आप देखेंगे नॉर्मली ये इनसाइड होता है, ये आउटसाइड होता है। यहाँ पे प्लग लगाता है जिसको सेंसर बोलते हैं। इसी के थ्रू गाड़ियों इंजन को पता चलता है कि गाड़ी गर्म हो गई है। इसी के थ्रू हम इंजन का टेम्परेचर नापते हैं। जैसे थर्मोमीटर होता है आप ऐसे लगाते हैं, उसी तरह ये इंजन में लगा होता है और इससे सेंसर होता है यहाँ पे जिससे पता चलता है कि हाँ इंजन अब गर्म हो गई, अब रेडिएटर फैन चलाने की जरूरत है। तो इसीलिए इस तरह से ये काम करता है। अगर ये काम करना बंद करते हैं सपोज, तो इंजन को पता ही नहीं, मतलब इंजन का टेम्परेचर ही पता नहीं चलेगा और आपकी गाड़ी हीट या गर्म होने का आपको डैशबोर्ड पे सिग्नल दे देगी कि आपकी गाड़ी गर्म हो गई और आपकी गाड़ी बंद भी पड़ सकती है। तो ये है छोटी सी चीज लेकिन कभी कभी बहुत काम की है, तो इसका ध्यान रखिए। आपकी गाड़ी अगर कभी गर्म हो जाए तो आप डेफिनेटली पहले कूलेंट चेक करिए कि कूलेंट है कि नहीं। अगर कूलेंट है और फिर भी आपकी गाड़ी डैशबोर्ड में हीट का सिग्नल दे रही है और ओवरहीट का सिग्नल दे रही है, तो आप डेफिनेटली एक बार टेम्परेचर स्विच निकाल के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर स्विच में तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका रेडिएटर फैन चल रहा है और फिर भी आपकी गाड़ी ओवरहीट दिखा रही है, तो आप समझिएगा कि ये हो सकता है कि टेम्परेचर स्विच खराब हो या तो गैस्केट गया हो। गैस्केट गया तो भी आप गाड़ी को आराम से धीरे धीरे करके चला के लेके आ सकते हैं, पर अगर टेम्परेचर स्विच गया है तो आपको गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके रास्ते में बंद होनी है। तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए कि आपको सिंपली इस यहाँ पे जो प्लग होता है उसे आप निकाल दीजिए, आपका फैन है ना डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे आपका फैन ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से चलता ही रहेगा, वो जब आप इंजन ऑफ करेंगे तभी वो फैन बंद होगा। उससे क्या होगा, कंटिन्यूसली इंजन कूल रहेगा और आपको ओवरहीट का जो सिग्नल है वो नहीं देगा। इससे भले ही आपकी गाड़ी थोड़ी स्लो चलेगी, पिकअप थोड़ा स्लो पकड़ेगा, पर आपकी गाड़ी कम से कम गैराज तक या आपको जिस डेस्टिनेशन तक जाना है वहां तक आप पहुंच जाएंगे इजीली। तो ये आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये कहां पे लगता है और कैसे क्या कर सकते हैं आप। चलिए आइए देखते हैं, आप चलते हैं इंजन के पास। ये आ गए हम इंजन के पास, ये है इसका इंजन जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा। अब आपको टेम्परेचर स्विच देखना पड़ेगा कि आपके गाड़ियों में कहाँ पे है। इस गाड़ी में आपको मैं बता देता हूँ, नॉर्मली ये इंजन के किधर लगा रहेगा आपको दिख जाएगा, मे बी इंजन ऑयल या उसके आजू बाजू रहता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है इंजन ऑयल का जहाँ से हम फिल करते हैं। इसके जस्ट बाजू में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये प्लग जैसा, यही है हमारा टेम्परेचर स्विच, ठीक है। ये है आप रेडिएटर फैन जो आप देख पा रहे हैं, ये रेडिएटर फैन है जो दिख रहा है, और ये है टेम्परेचर स्विच, ये जो आपको दिख रहा होगा ये। इसका जो वायरिंग है आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो ये यहाँ पे जाता है और वो रेडिएटर फैन के आसपास ही होता है। आप देख पा रहे होंगे, अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे जो वायर है वो नॉर्मली उसी का होता है, तो आपको पता चल जाएगा। आइए मैं आपको उसको खोल के दिखाता हूँ। ये जो चीज़ होती है वो लगती है यहाँ पे इसके अंदर, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक मिनट। ये जो देख रहे हैं आप काफी टाइट हो गया है, ये निकल नहीं रहा अभी फिलहाल में। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, इसे आप खींचेंगे
ये भी काफी टाइट हो गया, निकल नहीं रहा है आई गेस, काफी टाइम से निकाला नहीं गया है इसे। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में निकाल के दिखा देंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरह से, ये देखिए सेम है, ये देखिए सेम है ना। सो ये ऐसा रहता है और यहाँ से जो प्लग है ये रहता है, आप इसे खींचेंगे तो आपका फैन जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर आपकी गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो आप इसे यूज करिए आराम से, आपकी गाड़ी कम से कम स्लो मोशन पे भी चलेगी लेकिन आप चला सकते हैं। बाय चांस अगर कूलेंट खत्म हो गया तो आप यहाँ से पानी भी डाल सकते हैं और टेम्परेचर स्विच को आप फिर से इस सेंसर को निकाल दीजिए, आराम से आपकी गाड़ी कम से कम चलने लग जाएगी, आप गैराज तक तो पहुंच जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, कुछ पूछना रहे तो पूछिएगा। डेफिनेटली लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।